गजब अरे वाह गजब ओहो क्या बात है नमस्कार किसान किसान भो स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध लाइव खेती में इस... किसान आज ये कंपनी में मैं हूं आज एक लाइट मॉडल है और एक आपका बिना लाइट का है इन पावर बीडर के पे आपको बहुत जबरदस्त रेट का धमाका होने वाला है किसान को सबसे पहले हम रेट की बात कर लेते हैं नमस्कार मैम नमस्कार सर मैम अपना एक छोटा सा पर्ची हमारे फार्मर्स को दीजिए सर मैं पूजा नैन आर एग्रीकल्चर जो मेरी आर एग्रीकल्चर है वो जिंद के हरियाणा के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ये जो आपका मैनुअल स्टार्ट है विदाउट लाइट का इसका प्राइस क्या देने वाली है ऐसी

में में मिलेगा, 32 ब्लेड का रोटा बेटर मिलेगा प्लस ये वाला रीजर मिलेगा पूरी मशीन कम्प्लीट मिलेगी बिल्कुल सर। में बिल्कुल देख लो। सर पका पका सर पक्का पक्का ना अच्छा अगर बात र, लाइट मॉडल जो है ये है इसका क्या रेट देने वाली है जो ये लाइट वाला मॉडल है इसका हम बयालीस हजार में कस्टमर को दे रहे हैं बयालीस हजार के साथ में आपको अटैचमेंट इसके साथ फ्री सर इसके साथ में भी एक रीजर आपको फ्री में दे रहे हैं मतलब ये वाला रीजर जो है हमारे किसान भाइयों को जो इतना बड़ा सा रीजर है किसान वो आप देख सकते हैं ये रीजर आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला हो, बिल्कुल है बिल्कुल एडजस्टेबल है यहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी खेती में मतलब अगर आप नाली वगैरह बनाना चाहते हैं उसके लिए ढोले बनाना चाहते हैं उसके लिए काफी जबरदस्त तरीके का रीजर है मात्र बयालीस में मैम रोटावेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा बत्तीस ब्लेड का रोटावेटर मिलेगा जो एडजस्टेबल रोटावेटर रहेगा ब्लेड का रोटावेटर एक रीजर और ये लाइट के साथ में मात्र बयालीस हजार बयालीस हजार अलग से कोई डिलीवरी वगैरह तो नहीं पड़ेगी नहीं सर कोई चार्जेस नहीं रहेगा डिलीवरी दे, कॉस्ट ऑफ फ्री रहेगा सर बिल्कुल फ्री रहेगा बिल्कुल फ्री रहेगा सर फार्म स... को घर तक पहुँचा के देंगे घर तक पहुँचा के देंगे मैम अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एक डीजल मॉडल खड़ा है इसकी जानकारी हमारे फार्मर्स को दीजिए थोड़ा सा सर देखिए जो अपने पास में डीजल मॉडल खड़ा हुआ है इसका ये साढ़े सात एस पी में है बिल्कुल और इसके साथ में हमने जो लाइट दिया हुआ है दो लाइट दिया हुआ है इसमें एलईडी लाइट इसके अंदर दिया हुआ है फ्रंट व्हील इसके अंदर दिया हुआ है हुँ. और डेढ़ लीटर का इसका गेयर बॉक्स दिया हुआ है हुँ. और इंजन ऑयल जो इसमें छह सौ का आता है इसमें एक जो एयर फिल्टर है एयर फिल्टर के अंदर में चालीस एम इंजन ऑयल डालना पड़ता है सर इसके अच्छा चालीस एम एल इंजन ऑयल डालना पड़ता है अगर मैं बात करूँ इसमें रोटरी की कितनी रोटरी लग जाती है पच्चीस ब्लेड का रोटर वेटर पच्चीस ब्लेड का रोटर वेटर लग जाता है स्टार्टिंग वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं होती होगी सर कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसको छोटा बच्चा भी और एक लेडीज भी इसको आसानी से सर, स्टार्ट कर सकती है दिखाईगा इसके नीचे जो सापट लगी हुई है उसकी क्वालिटी थोड़ा हमारे फार्मर्स को दिखाई किस तरीके की है ये मतलब मैम ये जो सापट इसमें लगी लगे जिसमें ये टायर चलता है उसकी सापट की क्वालिटी क्या दी गई है बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी दिया हुआ है सर अच्छा बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी दी गई है इसमें मैम अगर बात करूँ इसमें हैंडल की एडजस्टेबल है या नहीं है एडजस्टेबल हैंडल दिया हुआ है ये 360 डिग्री पे घूम जाता है मतलब एडजस्टेबल हो जाता है फ्यूल की खपत कितनी करता है ये सर ये देखिए हार्ड जमीन पे जो खपत रहती है इसकी रहती है सर 800 से 900 नौ 800 से 900 आठ रहती है और जो नॉर्मल जमीन पे रहती है वो 600 से 700 सात पीटीओ में क्या क्या चला सकते हैं सर इसमें अल्टरनेटर चला सकते हैं रिपर चला सकते हैं और दूसरा इसमें हम वाटर पंप चला सकते हैं स्प्रे पंप चला सकते हैं ट्रॉली लगा सकते हैं उसमें हिच में इसके अंदर ट्रॉली लगा के चला बिल्कुल मैम जो मैम

कि मशीन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान को मशीन में एयर फिल्टर की वजह से आती है बिल्कुल क्या करते हैं किसान अपना काम करके इसको एयर फिल्टर को क्लीन करना भूल जाते हैं बिल्कुल इसको क्या मतलब कि स्टार्ट करने से पहले खेत में जाने से पहले एक बार एयर क्लीनर से को साफ करना पड़ता है इसको एयर फिल्टर को एयर क्लीन करना पड़ता है इसको 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 बिल्कुल साफ साफ करना पड़ता है इसमें और शाम को इसको जा इसको को जाके तब भी करके मशीन अच्छी तरीके से साफ करके इसको रखना पड़ता है और कम से कम बीस घंटे इसका जोताई करने के बाद काम करने के बाद इसको सर्विस करना जरूरी है करना जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल अगर मैं बात करूँ गेयर ऑयल की कितने नंबर का गये ऑयल पड़ता है नब्बे नंबर का गेयर ऑयल पड़ता है सर इसके मैम नब्बे नंबर का गये ऑयल पड़ता है आगे

दो तीन लीटर तो करता ही होगा नहीं सर बिल्कुल नहीं दो तीन लीटर कहाँ इसमें ये रहता है सर घंटे में कम मतलब नॉर्मल जमीन पे रहता है 600 से 700 सात सौ और जो हार्ड जमीन होती है उस पे रहता है आठ सौ ऐसी नौ सौ एम पक्का ना पक्का सर मैम इसके साथ तो रिजर्व फ्री मिलने वाला ही है बिल्कुल सर रिजर्व फ्री रहता है मैम अभी जो आपने छत्तीस की बात की छत्तीस हजार की मशीन है जो की काफी कॉम्पैक्ट साइज में है मैनुअल स्टार्ट के साथ में है इसकी जानकारी हमारे फार्मर्स को आप दीजिए सर देखिए ये पेट्रोल इंजन में है सात एच पी का इंजन रहता है इसके अंदर और इसमें जो है गेयर बॉक्सा बड़ा हैवी दिया हुआ है बिल्कुल 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 1.6 लीटर का गेर बॉक्स दिया हुआ है सर इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल मैम। और इसमें जो नब्बे नंबर का ऑयल ऑयल डलता है क्या नाम है इसके इंजन ऑयल डलता है इसके अंदर वो डलता है सर छह सौ एम के आसपास इंजन ऑयल जो पड़ता है छह सौ एम के आसपास में पड़ता है और जो गियर ऑयल पड़ता होगा वो कितना पड़ता है वो वन पॉइंट सिक्स पड़ता है सर वन पॉइंट सिक्स लीटर जी सर इसमें जो मैम टंकी दी गई है वो कितने लीटर की दी गई है इसके अंदर जो टंकी दिया वो लीटर का दिया हुआ है साढ़े चार लीटर की इसमें टंकी दी गई है मैनुअल स्टार्ट के साथ में मशीन है मैम जो इसमें ब्लेड्स लगती है वो एडजस्टेबल होती है नहीं होती बिल्कुल एडजस्टेबल होती है उसको हम बत्तीस ब्लेड ऐसी चौबीस ब्लेड में सोलह ब्लेड में मतलब किसान भाई जो भी अपने अकॉर्डिंग अपने कर सकता है सर इसको बिल्कुल मैम अगर आपसे पूछना चाहूंगा ये मशीन अगर आपको चलाना हो चला पाएंगी बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं सर चला लेंगी बिल्कुल सर, कोई समस्या नहीं होने वाली नहीं सर, अगर महिला किसान इसे चलाना चाहती है तो उन्हें कोई समस्या आसानी से, से चला सकती सर, है जी बच्चा भी चला सकता है बिल्कुल मैम मैम अगर बात करूँ इनके टायरों की टायरों की क्या क्वालिटी दी गई है इसमें सर देखो जो इसके अंदर टायर दिया हुआ है वो गुड्डी वाला टायर दिया हुआ है सर इसके अंदर अच्छा इसके अंदर गुड्डी वाला टायर आता है ना सेम वही इसके अंदर फीचर दिया हुआ है हमने अच्छा इसके अंदर गुड्डी वाला टायर दिया गया है बिल्कुल अगर इसके साथ अगली मशीन पे मैं बढ़ूं जिसका आपने दूसरी का छत्तीस हजार बताया इसमें क्या फीचर है फीचर सेम है या कुछ अलग है सर देखिए इसमें फीचर सेम रहता है ओनली इसका बॉडी कवर का थोड़ा सा चेंज किया हुआ है और इसमें कलर में चेंज किया हुआ है सर बिल्कुल मतलब और सारी चीजें सेम है उसमें मैं मैं लाइट, लाइट का भी कुछ प्रोविजन ऊपर देख है हैं इसमें एक दूसरा लाइट का हमने ऑप्शन दिया हुआ टॉर्च लाइट का ऑप्शन दिया हुआ इस बिल्कुल मैम अगर कोई लाइट लगाना चाहे कुछ चार्ज लेके लगभग कितना चार्ज लेके लग जाएगी लाइट सर ये कम से कम आठ सौ रुपए में लगा के दे देंगे सर लाइट लगा के आठ सौ रुपए में रुपए में लाइट इसमें भी लाइट लगवाना चाहता है छत्तीस हजार वाली में आठ सौ रुपए में लगा के देखिए एक्स्ट्रा लगवा के वो इसमें लाइट लगवा सकता है सर लगवा सकता है कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगा मैम इसकी फ्यूल की खपत क्या होती है सर इसकी फूल की नॉर्मल की रहती है 500 से 600 सौ एम एल बिल्कुल जो हार्ड जमीन की रहती है वो 700 सौ से आठ सौ एम एल बिल्कुल मैम मैं, मैं जैसे अगली मशीन पे बढ़ता हूँ काफी हैवी मशीन दिया पूरा ट्रैक्टर बना दिया इस मशीन को आपने जी सर इस ट्रैक्टर में आप ये बताइए कि सबसे पहले कितने लीटर का इसमें जो है गेयर ऑयल पड़ता है सर इसमें तीन लीटर का गेयर ऑयल डाला हो तीन लीटर का गयर गे रो, गेयर ऑयल का बॉक्स इसमें दिया गया है सर्थ अगर सर्थ मैं बात करूं इंजन काफी हैवी दिया गया कितने एचपी में इसका इंजन जो है डेवलप किया गया एचपी के अंदर दिया हुआ है सर इसमें। अच्छा ये जो इंजन दिया गया वो दस एचपी के अंदर में डेवलप किया गया है मैम अगर बात इसमें रोटरी की कितने जो है ब्लेड की रोटरी इसमें चलती है देखिए इसमें जो सेंटर रोटरी चलता है वो चालीस ब्लेड का रोटावेटर चलता है और इसमें जो पीछे जो ब्लेड दिया हुआ है बैक रोटरी के अंदर इसमें आठ ब्लेड का रोटावेटर चलता है सर इसमें आठ ब्लेड का रोटावेटर चलता डाल है इसमें जो है चालीस ब्लेड बिल्डिट अगर मैम मैं बैक रोटरी को अलग करना चाहता हूँ मुझे बैक रोटरी नहीं चलानी है हमें ट्रॉली लगा के लगभग बीस किलोमीटर जाना है तो कितना वेट लाद के लेके जा सकते हैं सर इसमें कम से कम हम डेढ़ टन से दो टन के आसपास में लेके जा सकते हैं कोई दिक्कत

दो सौ एम एल के आसपास एक लीटर दो सौ एम एल के आसपास हाँ में बड़ी मशीन काफी है इसी वजह से मैम स्टार्टिंग इसको थोड़ा सा जैसे अगर बात किया जाए तो स्टार्ट करने में काफी ताकत लगती होगी नहीं सर कोई ताकत नहीं लगता सर मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी प्रकार की मैम अगर बात करना चाहूँ जैसे हमारा किसान है बेड वर्गीय सब्जियां लगाता है फसलें लगाता है आप मान के गन्ना में उसे मेड लगाना है तो ये बैक रोटरी से हो जाता होगा बिल्कुल हो जाता है सर वो मैम अगर अगली मशीन पे आगे बढ़ू इसके साथ में जो सेल्फ स्टार्ट के साथ में जो सेम मशीन है तरीके जो अभी आपने जानकारी दी है, तो इसमें केवल सेल्फ बढ़ा दिया गया कोई फीचर और बढ़ाया गया सर इस पर ओनली सेल्फ का ही ऑप्शन बढ़ाया गया सर वो वो मशीन डीजल वाला और ये हुँ. दोनों सेम है इसके अंदर हमने क्या दिया है की अगर कोई भी कस्टमर भाई अपने से सेल्फ में लेना चाहता है तो वो सेल्फ में ले सकता है सर अच्छा सेल्फ में इसमें कोई लेना चाहता है तो ले सकता है मैम जैसे अगर बात करूं यहाँ पडलर जो रखा हुआ है सिंगल साइड फुलाव रखा हुआ है अगर ये पडलर हम लगाना चाहे डीजल में डीजल का अलग पडलर आता होगा और पेट्रोल का पडलर अलग देखिए जो डीजल का पडलर आता है अभी डीजल का पडलर रखा हुआ है जो ये साफ्ट का साइज होता है बिल्कुल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है अच्छा मोटा और पतला होता है और पतला रहता है मैम इन सारी मशीनों पे ये आपका अगर चलाना चाहे इसी तरीके का होता होता चल जाएगा नहीं चल जाएगा बिल्कुल चल जाएगा सर बिल्कुल बिल्कुल कीचड़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आने वाला मैम अगर मैं बात करूं आपने छत्तीस हजार रेट दे दिया और इसका रेट दे दिया आपने बयालीस हजार रुपए तो गारंटी कवर करेंगी या नहीं करेंगी वन ईयर का गारंटी रहेगा सर अच्छा वन ईयर का गारंटी जो है आप इस मशीन पे कवर करेंगे करेंगे या केवल कह रही हैं? सर वन ईयर का गारंटी रहेगा इंजन और गेयर बॉक्स का सर इंजन और गेयर बॉक्स का वन ईयर का गारंटी रहेगा मैम अगर कोई डीलरशिप लेना चाहता जैसे सपोर्ट मानिए मुझे डीलरशिप लेनी है आपसे डीलरशिप लेने के लिए हमारे फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा सर देखिए उसको पहले तो मेरी कंपनी का विजिट करना होगा मेरे को फोन कॉल पे उसको बात करना होगा जिससे उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हम उसको सब बताएंगे इसको क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरे यहाँ पे लेके आना होगा अच्छा वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके आना होगा जी सर मतलब वहाँ आने के बाद में जो कागजी कार्रवाई की जो प्रक्रिया होगी वहाँ पे होने के बाद में आ, उसको, डीलर से प्रोवाइड कर दी जाएगी अच्छा मान लीजिए मेरा कोई फार्मर है वो बैठा है बिहार के किसी छोटे से गांव में उसे खरीदना है ये छत्तीस की मशीन और ये बयालीस की मशीन तो उसके लिए उसको क्या करना सर, पड़ेगा? अगर कोई भी मतलब किसान भाई अगर ये लेना चाहता है हाँ। तो उसको पहले मेरे पास में अपना आधार कार्ड भेजना होगा आधार कार्ड भेजने के बाद उसको मेरे अकाउंट में पाँच हजार पे डलवाना होगा बिल्कुल उससे मेरे को भी सिक्योरिटी रहेगी और कस्टमर को भी सिक्योरिटी रहेगी सर उससे बिल्कुल मतलब जो पांच हजार रूपए डलवाएगा उसी के माध्यम से उसका माल आगे बढ़ेगा जो कुरियर चार्ज लगे अच्छा एक चीज और बताऊ मैं भूल गया पूछना जैसे आपने बयालीस कर दिया और इसका जो है छत्तीस कर दिया अभी इस पे आप कुरियर चार्ज अलग से जोड़ोगे नहीं सर बिल्कुल कोई चार्ज नहीं रहेगा इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सर डिलीवरी फ्री रहेगी सर बिल्कुल छत्तीस में एक अटैचमेंट फ्री और बयालीस में एक अटैचमेंट फ्री बिल्कुल सर बिल्कुल मैम अगर मैं मंगवाना चाहता है मशीन मान लीजिए हमें ही मंगवा है मशीन मंगवाने के लिए हमको जैसे कि नंबर वगैरह कोई ऐसा बताइए जिसपे हम कॉल कर सकें सर देखिए अपने दो नंबर रहता है इक्यासी पचानवे अठावन जीरो चार सौ चौबीस बिल्कुल अठानवे एक सौ बहत्तर छालीस छह सौ छालीस मतलब इन नंबरों पे कॉल करके एनी टाइम हमारा किसान भाई आपके स्टाफ से आपसे संपर्क कर किसी भी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं है, आप आप है, तो आप और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो उसका सोलूशन करेगी बिल्कुल मैम अगर इन मशीनों की मैं बात करूँ ये आपकी जो भी मशीन है कितनी इंच गहरी जुताई करती होंगी लगभग सर ये कम से कम पांच से छह इंच तक गहरी जुताई कर देती है जो बड़ा ट्रैक्टर होता है उससे दो

दो से ढाई हजार तीन हजार रुपए तक आप कमा सकते हैं किसान भाइयों अपनी खेती को टेक्निकल और बेहतरीन बना सकते हैं किसान भाइयों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लाइक करिए और कमेंट करिए किसान भाइयों कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। मिलूंगा फिर से इसी तरह के एक यूनिक और नई वीडियो लेकर तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद जय जवान जय किसान